खबर प्रयागराज से है। सरायनाय थाना क्षेत्र के धरौली गांव में पुलिस के सह पर विवादित जमीन पर मकान निर्माण कराया जा रहा है। पीड़ित थाने पर पहुंचा तो आरोप है कि पुलिस ने पीड़ित को डांट कर थाने से भगा दिया। धरौली गांव निवासी कमला देवी पत्नी राजेंद्र प्रसाद बिन का गांव के ही शिव कुमार आत्माराम मंगल विनय कमला शंकर धीरेन्द्र से एक जमीन का विवाद है, जिसका न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। 25 जून से आरोप है कि विपक्षी लोग पीड़ित के घर के सामने दीवार खड़ी कर निर्माण कर रहे, जिसकी थाने पर पहुंचकर कमला देवी के द्वारा कार्रवाई के लिए तहरीर दी गई, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने पीड़िता को डांट कर थाने से भगा दिया, जिससे विवादित स्थल पर विपक्षी लोग लगातार निर्माण करने में जुटे हैं। पीड़ित लोग पुलिस आयुक्त से शिकायत करने आए की गुहार लगाई है। वे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त ने मामले की जांच का आदेश दिया है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। किस गांव के रहने वाले हैं? धरौली। थाना कौन सा है? थाना सरायनाय। क्या समस्या है आपकी? समस्या साहब, हमारा सहन दरवाजे पे कब्जा कर लिया गया है। यह डीएम साहब उसमें आदेश किए हैं, माननीय न्यायालय का आदेश आया 6 महीने में कोर्ट इसका एसडीएम साहब निस्तारण किया जाए। विवादित जमीन पे बना रहे हैं? विवादित जमीन कौन बना रहा है? हमारे विपक्षी गण कमला शंकर, रमेश बिंद, ये सब, और 15 फीट गहरा गड्ढा हमारे मकान के जस्ट बगल में खोद दिए हैं, और विवादित हस्तर तो अगली पार्टी बना रहे। दोनों पार्टी एकजुट होकर सारा हमें परेशान किया। थाने पे शिकायत किए? थाने पे शिकायत किया साहब, एसपी साहब किया गया, उसका कागज यहाँ कल भी आ गया है साहब, और पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।